ऑर्गेनाइज्ड एक शॉपिंग कार्निवल को इनॉगरेट करती दिखी ग्रैंड मस्ती फेम एक्ट्रेस कायनात अरोड़ा। यहाँ डिस्प्ले पर रखे आइटम्स को कायनात ने काफी बारीकी से परखा। एग्जीबिशन की कायनात ने की काफी तारीफ। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट वेयर ऑल द डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ ब्रांड्स हैव गैदर्ड अंडर द वन रूफ एंड इट्स काइंड ऑफ एन एग्जीबिशन गोइंग ऑन प्लस दिवाली इज गोइंग ऑन सो आई एम गोना पिक अप सम गिफ्ट्स फॉर माय फ्रेंड्स। वैसे ग्रैंड मस्ती करने वाली कायनात की शॉपिंग भी होती है काफी ग्रैंड और इसीलिए वो खुद को कहती है एक शॉपहोलिक। मेरे सब फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि जब भी उनको शॉपिंग करना होता है दे कम टू बॉम्बे एंड दे आस्क मी दैट लेट्स गो फॉर शॉपिंग। तो व्हाट हैपेंस वी गो शॉपिंग टुगेदर। उनका शॉपिंग तो होता नहीं है लेकिन मेरे कुछ 1-2 लाख तक तो खर्च हो ही जाते हैं। ओह कायनात, अब हम समझे कि आप ज्यादा फिल्मों में क्यों नजर नहीं आती। भाई आपको शॉपिंग करने से फुर्सत मिले तो आप किसी नई फिल्म को करें ना। वैसे फिलहाल कायनात की झोली में है एक मलयालम फिल्म जिसे लेकर वो हैं सुपर एक्साइटेड। आई एम डूइंग अ फिल्म विद मिस्टर मोहनलाल, इट्स कॉल्ड लैला ओ लैला। सो केरला में कोचीन में शूटिंग चल रही है, पूरा शेड्यूल अभी फिनिश करके आई हूँ मैं। वेल उम्मीद करते हैं कि आपकी ये मलयालम फिल्म को भी मिले ग्रैंड सक्सेस और साथ ही आपके फैंस आपको हिंदी फिल्मों में भी देख पाएं। फॉर स्मिता आयल, जिंग मुंबई।